Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn about many, much, a lot of, lots of, plenty of, a good deal of, a large number of, a large quantity of, a large amount of, heaps of. Friends, आज हम इन सभी के बारे में जानेंगे कि इन सब का क्या सही यूज है. यह बात तो क्लियर है कि इन सभी का हिंदी बहुत होता है, लेकिन इन सब का अलग अलग यूज है जिसे आपको बारीकी से समझना होगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे मेनी और मच के बारे में. मेनी और मच का अर्थ बहुत होता है, लेकिन मेनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, जबकि मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है. यानी अगर आपको कहना हो बहुत लड़के, तो आप कहेंगे मेनी बॉयज, क्योंकि लड़के ये काउंटेबल नाउन है. लेकिन अगर आपको कहना हो कि बहुत पानी, तो आप कहेंगे मच वाटर. यहाँ मच का यूज करेंगे क्योंकि पानी एक अनकाउंटेबल नाउन है. जैसे अगर आपको कहना हो बहुत कुर्सियां, तो आप कहेंगे मेनी चेयर्स. बहुत घोड़े, मेनी हॉर्सेस. बहुत कलमे, मेनी पेन्स. लेकिन अगर आपको कहना हो बहुत दूध, आप कहेंगे मच मिल्क. बहुत चावल, मच राइस. आइए अब देखें कि इन सब का सही यूज क्या है. अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ गुड डील ऑफ, हिप्स ऑफ, इन सभी का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ किया जा सकता है. यानी अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो भी आप यूज कर सकते हैं, और अगर अनकाउंटेबल है तो भी आप यूज कर सकते हैं. मेरे पास बहुत समय है, I have a lot of time. मेरे पास बहुत दोस्त हैं, I have a lot of friend. तो आप lot of, lots of, a good deal of, heaps of का यूज अनकाउंटेबल और countable दोनों नाउन के साथ करिए. लेकिन a large number of या a number of का यूज सिर्फ plural countable नाउन के साथ किया जाता है. यानी उस नाउन के साथ किया जाता है जो गणनीय हो और एक से ज्यादा हो. मेरे पास बहुत विद्यार्थी हैं, I have a number of students. A large quantity of या a large amount of का क्या यूज है. A large quantity of या a large amount of का यूज सिर्फ uncountable noun के साथ किया जाता है. जैसे बहुत दूध, a large amount of milk. बहुत पानी, a large amount of water. तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आया होगा. अगर आपको कहना हो मेरे पास बहुत पैसा है, तो आप कह सकते हैं I have a lot of money. अगर आपको कहना हो कि बहुत लड़के आए, तो आप कह सकते हैं a lot of boys came. आप ये भी कह सकते हैं many boys came. आप ये भी कह सकते हैं lots of boys came. फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए. क्या बहुत सोना तुम्हें शांति देगा? इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं. फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में. तब तक के लिए बाय.